पावर स्टार पवन सिंह का एक गाना रिलीज होते ही भोजपुरी की गायिका अंतरा सिंह प्रियंका से विवाद शुरू। नमस्कार, मैं किशन कुमार हूँ। दोस्तों, अगर आप भोजपुरी की खबरें देखते हैं तो आप सोशल मीडिया में चारों तरफ देख रहे होंगे कि एक नया विवाद शुरू हो चुका है। वो विवाद पवन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका के बीच का है और इस मामले में अंतरा सिंह प्रियंका अपनी प्रतिक्रिया थोड़े कड़े अंदाज में दे चुकी हैं। जब अंतरा सिंह प्रियंका इधर से प्रतिक्रिया दी तो पवन सिंह के टीम के लोग भी अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। क्या कुछ मामला है, पूरी बात बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पवन सिंह का एक गाना आने वाला था एएससी फिल्म के बैनर से। गाने का टाइटल था सुन मेरी लॉलीपॉप। इस गाने को लिखा था छोटू यादव ने और म्यूजिक दिए थे रजनीश मिश्रा। गाने में आवाज थी पवन सिंह और अंतरा सिंह प्रियंका की। गाना रिकॉर्ड भी हो चुका था और गाने का पोस्टर भी लॉन्च हो चुका था, जिस पोस्टर को आप अभी अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं। पोस्टर रिलीज के 2-3 दिनों के बाद ये पता चलता है कि अंतरा सिंह प्रियंका सोशल मीडिया में एकदम भड़की हुई हैं। तो भाई साहब, क्यों भड़की हैं? पता चला कि अंतरा सिंह प्रियंका के ऑडियो वोकल को हटा करके उस गाने में अब शिवानी सिंह के ऑडियो को यूज किया जाएगा और वही गाना रिलीज होगा। और ये तब पता चलता है कि जब नया पोस्टर लॉन्च हो जाता है। उस नए पोस्टर को भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सब कुछ सेम है, सिर्फ गायिका और उनका नाम और पोस्टर बदल चुका है। अब इस मामले में अंतरा सिंह प्रियंका सोशल मीडिया में लिखती हैं कि किसी भी आलतू फालतू टाइप के लोगों के साथ मेरे ऑडियो को यूज नहीं किया जाए और इस तरह की चीज़ें करने से पहले मुझसे अनुमति ले ली जाए। तो इस तरह की चीज़ों से अंतरा सिंह प्रियंका जब अपनी प्रतिक्रिया देने लगी, सिंह के टीम के लोग भी कहाँ चुप बैठने वाले थे। गीतकार रोशन सिंह विश्वास और प्रियांशु सिंह और तमाम लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। प्रियांशु सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि आप ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने बहुत सारे अभद्र गाने गाए हैं, आपके साथ तो पवन सिंह गाना भी नहीं चाहते थे, वो तो हम लोग हैं जो आपको गवा दिए थे। आपको बता दें कि ये गाना रिलीज भी हो चुका है यसी फिल्म पर और गाना चल भी रहा है। 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं और अब गाना 2 मिलियन के तरफ चल दिया है। जल्द ही 2 मिलियन व्यूज भी हो जाएंगे। अब भाई, पवन सिंह का अगर गाना हो और 1 मिलियन व्यूज ना आए तो भाई ये तो असंभव सी बात है। गाना पवन सिंह और शिवानी सिंह की आवाज़ में है और ये गाना चल रहा है। तो फिलहाल यही वजह है जिसकी वजह से पवन सिंह के और अंतरा सिंह प्रियंका के नाम की चर्चा सोशल मीडिया में विवाद के रूप में हो रही है। और इस तरह का जो मामला था, इसी की वजह से अंतरा सिंह प्रियंका नाराजगी जता रही हैं। आपको ये भी बता दें, यह गाना पहला ऐसा गाना था जो पवन सिंह के साथ अंतरा सिंह प्रियंका गाई थी। इसके पहले कभी अंतरा सिंह प्रियंका ने पवन सिंह के साथ गाना नहीं गाया था और ना ही गाना कभी रिलीज हुआ था। ये पहला गाना था जो कि संयोग बस रिलीज नहीं हो पाया। इसका कारण क्या रहा, क्यों ऑडियो वोकल हटाया गया, ये तो कारण स्पष्ट रूप से पवन सिंह ही बता सकते हैं। और बाकी आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एक गाना अंतरा सिंह प्रियंका के साथ पवन सिंह गा भी दिए होते तो ये एक नई चीज़ होती, लोग ज़रूर इसको पसंद करते, ऐसा भी कुछ लोग कहते नज़र आ रहे हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगली वीडियो में कुछ और, तब तक के लिए नमस्कार।